तो ये अपना ग्रुप ए का पहला फॉर्मूला, दोनों बॉक्स लिखना है, ए यानी कांस्टेंट कौन कौन है बताइए और उसकी पहचान, हाँ वो सब लिखो, अभी लिखो आइडेंटिफिकेशन, पहचान में लिखो एक सेपरेट कांस्टेंट ने, एक सेपरेट कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया, क्वेश्चन मार्क, नीचे लिखो हाउ टू अप्लाई, नीचे हेडिंग दो हाउ टू अप्लाई, लिखो सामने कांस्टेंट बाहर लिखना, और डीडीएक्स रिमेनिंग टर्म्स को लगाना, और डीडीएक्स डीडीएक्स यानी डी बाई डी एक्स ना, और डीडीएक्स रिमेनिंग टर्म्स को लगाना, चलो अब सोचते हैं, बताइए कि आइडेंटिफिकेशन यानी क्या, पहचान, अब बोलो क्या इसका, क्या बताया था मैंने इसकी, क्या पहचान है, एक सेपरेट कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई, कभी कभी डिवाइड भी करता है, डिवाइड किया क्या, चलो बताओ फोर ने सबको मल्टीप्लाई किया क्या, सामने कौन है वो मत देखो, सबको मल्टीप्लाई किया गया, इतना बताओ फोर ने, फोर कांस्टेंट है ना, उसने सबको मल्टीप्लाई किया क्या, नहीं किया, एडिशन किया क्या, मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, बताओ यहाँ पे फोर, फोर छोड़ के बताओ उसने सबको मल्टीप्लाई किया था, एक सेपरेट कांस्टेंट फोर ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया क्या, नहीं किया, तो यहाँ पे ये नहीं लगा, बताओ अब बताओ, ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम्स है डेरिवेटिव के, ये जितने भी यहाँ पे लिखो क्या डेरिवेटिव चैप्टर के प्रॉब्लम, और ये सभी प्रॉब्लम में हम ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला लगता है कि नहीं लगता, तो वो कैसे पहचान लगाओ, लगते हैं क्या पहचान है बोलो, एक सेपरेट कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, बोलो थ्री ने किया है सबको मल्टीप्लाई, सबको साइन एक्स को किया है ना, थ्री साइन एक्स माइनस सेवन, अभी किया गया, थ्री ने साइन एक्स को किया लेकिन माइनस सेवन को नहीं किया, वही अगर ब्रैकेट में आया तो थ्री ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, सामने सब कुछ हो गया ना मल्टीप्लिकेशन, तो देखो प्रॉब्लम अगर थोड़ा भी चेंज हो गया तो देखो ये सब डेरिवेटिव की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आया तो कांस्टेंट का रूल नहीं लगता, ये वाला पहला, और ऐसा आया तो कांस्टेंट का रूल, कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है, उसके बाद बोलो लग रहा है फॉर्मूला, कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी को मल्टीप्लाई किया, अब किया नहीं, अब नहीं किया, तो नहीं किया, ये सब प्रॉब्लम दूर दूर लिखना, और सबके ऊपर में क्या पासिंग या क्रॉस का साइन देना, यहाँ पे पासिंग, यहाँ पे क्या क्रॉस, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, हाँ चलो बोलो यहाँ पे लगा क्या, क्या वर्डिंग है, एक सेपरेट कांस्टेंट दिख रहा है, उसने मल्टीप्लाई किया सबको, कैसे, इसका मतलब होता है माइनस वन इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस वन ही कांस्टेंट ने सबको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस एक्स बाय थ्री
या x बाय थ्री स्क्वायर रूट सबको मल्टीप्लाई नहीं लेकिन सबको चलता है कैसे क्योंकि हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे 1/3 इंटू एक्स ये कौन है 1/3 1/3 क्या है कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट तो कैसा भी रहता है ना तो कॉन्स्टेंट क्या क्या सबको मल्टीप्लाई तो लिया तो होगा क्या किया 5/2 ने डिवाइड किया सबको मल्टीप्लाई किया क्या कि नहीं किया अब बताओ सबको मल्टीप्लाई किया इसने 7 ने सबको मल्टीप्लाई किया 5 ने सबको डिवाइड किया तो कॉम्बिनेशन में देखो तो इसको 7/5 अलग कर सकते हैं और पार्ट इनवर्स है ना कांस्टेंट पूरा ही निकालना सबको मल्टीप्लाई करने वाला भी और सबको डिवाइड करने वाला तो लगा है ना वैसे उसके बाद बोलो अब माइनस 1 ने मल्टीप्लाई किया किसे लगाया ना फॉर्मूला तो ये प्रॉब्लम आपको डेरिवेटिव में चैप्टर में आ गया तो पहले समझना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगाया गया कि वो सेपरेट कांस्टेंट है माइनस 1 उसने सबको मल्टीप्लाई किया बोलो किया किया किसने ना मतलब उसके बाद यही प्रॉब्लम किया है किसने अब किया कि नहीं किया अब आप गलत हो आपकी नजरें एक ही डायरेक्शन में सोच रही है माइनस 1 ने सबको मल्टीप्लाई किया क्या नहीं किया 2 ने सबको किया ना तो वो रूल माइनस 1 के लिए नहीं लग रहा है लेकिन 2 के लिए लग रहा है ना तो कैसे लिखना 1/2 और ये पूरा माइनस 6x+7 कैसे लिखा ब्रैकेट क्योंकि 2 ने क्या किया सबको डिवाइड जब कोई डिवाइड करता है ना उसको 1/2 करके बाहर निकाल सकते तो 1/2 इंटू ब्रैकेट अब आ गया लग गया यहाँ पे अब आप बताओ इसके बाद अगर यही वाला अगर ऐसे होता 4 sec x चलो जल्दी बताओ किया -3 अपॉन 2 इसने 4 ने किया क्या नहीं अब किया अब किसने किया 5 ने भी किया तो क्या होगा ये 5/2 कितना फर्क पड़ता है एक एक टर्म ब्रैकेट प्लस माइनस के साथ ये डेरिवेटिव में यही तो आपको समझना है कि फॉर्मूला अप्लीकेशन कि भी वो सेपरेट कांस्टेंट है या नहीं है यहाँ पे 5 ने अब सबको मल्टीप्लाई किया और 2 ने सबको डिवाइड किया इससे कंबाइन हो गए दोनों 5/2 ने सबको मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हुआ था सिर्फ 2 ने सबको डिवाइड किया था इतना कैल लेकिन -1 ने सबको मल्टीप्लाई नहीं किया था सिर्फ 2 को ही लेना 2 नीचे है तो ऊपर 1 लेना 1/2 और यहाँ पे -1 ने भी किया और 2 ने भी किया इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन पास और ये सेपरेट कांस्टेंट में सबको मल्टीप्लाई अब आप बताओ ये कांस्टेंट है ये और सामने वाला क्या है फंक्शन ये कांस्टेंट और ये सामने वाला फंक्शन अभी फंक्शन कैसा भी हमें क्या मतलब अभी उससे भी मतलब नहीं कुछ भी है बस मल्टीप्लाई किया कि एक बार लिख लिया उसके बाद 4 sin x बोलो मल्टीप्लाई किया हाँ अब किया क्या नहीं यानी आगे चल के कहीं एडिशन सब्सट्रैक्शन तो नहीं है ना इसका मतलब 4 ने क्या किया सबको मल्टीप्लाई किया अगर ऐसा होता बीच में प्लस या माइनस अब नहीं किया और अगर मैं ब्रैकेट दे देता तो यानी ऐसा आ गया होता sin x + cos x लेकिन ब्रैकेट आ गया होता तो इतना फर्क पड़ता क्योंकि वो ब्रैकेट को कर रहा है सबको कर रहा है
और यहाँ पे सिर्फ वो किसको कर रहा है, साइन को। सर कर तो रहा है मल्टीप्लाई। अरे रूल पढ़, इसकी पहचान क्या है, एक सेपरेट कांस्टेंट ने क्या बोला था, रिमेनिंग कुछ कुछ टर्म्स को, रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई, सबको किया क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया उसने कि सबको नहीं किया, ये फॉर्मूला नहीं रहा। तुम बोले सर मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन सबको नहीं किया ना, सबको करना चाहिए तो लगेगा, एक दो को करने से नहीं होगा ऐसा। बोलो थ्री पार्ट इनवर्स एक्स लगेगा, जल्दी बताओ, अब लगा ठीक है, अब लगा, अब नहीं लगा, अटक गई गाड़ी, क्यों, क्योंकि आगे क्या आ गया प्लस, ठीक है नहीं लगा। अब देखो थ्री, अब है, अब है सर वही प्रॉब्लम बार बार हो गया, इसने सबको मल्टीप्लाई यहाँ तक किया मल्टीप्लाई, आगे प्लस माइनस है, तो इसने थ्री ने सबको मल्टीप्लाई नहीं किया, वन को छोड़ दिया था। अब बता, अब ये पहला टर्म हो गया, मल्टीप्लाई में कौन है दूसरा टर्म, मल्टीप्लाई में कौन है ब्रैकेट, अब बताओ थ्री क्या कर रहे हैं सबको मल्टीप्लाई। अब लग गया, इतना फर्क पड़ता है थोड़े थोड़े से इससे, क्योंकि ये ब्रैकेट एक टर्म हो गया ना, मल्टीप्लाई में ही है, इसलिए अब थ्री सबको मल्टीप्लाई। उसके बाद हाँ चलो बोला रूट सेवन एक्स, वर्डिंग क्या, एक सेपरेट कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। देखो एक बात, सेवन ने मल्टीप्लाई किया और कांस्टेंट यानी सेवन एच होता है, ऐसे नहीं रूट सेवन भी होता हाँ, लेकिन बताओ वो सेपरेट नहीं, अगर ऐसा आया ना तो फॉर्मूला नहीं लगा, क्योंकि वो सेपरेट नहीं है। हाँ अगर आप इसको थोड़ा चेंज करते हो, आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, ये अधिकार आपके पास है, यानी आपको जो क्वेश्चन दे दिया चेंज करके दूसरा मत लिखना, चेंज करके सर मेरी सुबह, अरे उसी में फॉर्मूले या टेक्निक्स लगा के चेंज करके उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म चलता किया तो, बता ऐसा रखा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो देखो रूट सेवन एक्स को रूट सेवन इंटू रूट एक्स अलग अलग कर सकते हो, और अब बताओ ये सेपरेट कॉन्स्टेंट लेगी, वर्डिंग है ना एक सेपरेट कॉन्स्टेंट ने रिमेनिंग, अभी रिमेनिंग सभी टर्म कैसे उससे भी मतलब नहीं है, ये सेपरेट कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कैसा था, वो इसी रिलेशन में दूसरे के साथ बंधा हुआ था, सेपरेट नहीं था, वर्ड क्या है एक सेपरेट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई किया है सबको किया, लेकिन वो वर्ड मिसिंग है कौन सा, सेपरेट, ये सेपरेट नहीं है। अब क्या हो गया सेपरेट, अब हो गया तो सेपरेट, अभी इसको अगर तुम्हें लगता है ना कि ये लगाना चाहिए तो तुम पहले इसको ऐसे लिख देना और फिर लगाना, हाँ सर अब सेपरेट है, अब अप्लाई, ऐसे रखोगे तो मत अप्लाई करना क्योंकि वो सेपरेट नहीं है। उसके बाद वन बाय सिक्स एक्स, बोलो अब आप बताओ मान लेंगे, हर तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस किया गया, किसने किया, वन बाय सिक्स किससे मल्टीप्लाई, एक्स को, वन बाय एक्स किया ना, चलो बताओ रूट पार्ट एक्स अपॉन नाइन या टेन ले, बोलो अब किसने, ऐसा ही रखोगे तो मत लगाना, ऐसा रखोगे तो ना बोलना, क्योंकि वो सेपरेट कॉन्स्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे सेपरेट है वो, एक तरह से लिख सकते, इसको तुम पहले ऐसा लिखो रूट क्वार्ट अलग और रूट टेन अलग, अब बताओ सेपरेट कॉन्स्टेंट ने क्या किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड डिवाइड, अब वन अपॉन फोर पास एक्स, जल्दी बोलो किया कैसे किया, बताओ वन बाय फोर पास एक्स माइनस थ्री हाँ किया कि नहीं किया, नहीं किया,
किया या नहीं किया? किया 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 वाले हाथ में किसने किया? किसने किया? फाइल हो गए तुम गलत यहाँ पे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे बताओ 7x क्या होगा? अरे इसको क्या लिखोगे? 7 into हाँ तो मल्टीप्लाई किया ना 7 ने 1x को, सेपरेट कांस्टेंट है ना। आपका ध्यान आपकी क्या होता है, नज़र फिक्स हो जाती है एक जगह पे, आप वैसे जो फिर दूसरा कोई वो जो हाथ चला के बोलते ना, आपको इधर बिजी कर देंगे किसी काम में और दूसरा काम कर लेगा, और पॉकेट मार वैसे ही रहते या जो भी रहते आपकी कोई चीज़ें छीनने वाली, आपको एक इसमें बिजी रखते दूसरा उधर से कर लेगा, आपका ध्यान पूरा एक साइड में लगा देते है कि नहीं ऐसा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि थोड़ा अटेंटिव रहा करो, एक ही इसमें माइंड नहीं सब दिशा में दौड़ाना, यही तो ये सब मैथ बोलो या बाकी सब सब्जेक्ट बोलते पढ़ा लिखा इंसान क्यों चाहिए बोलते, क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहता है ना वो डेली स्कूल कॉलेज जाता है ट्यूशन जो भी जाएगा तो उसको इतना सारी चीज़ों को वो देखता है समझता है, भले उसके दिमाग में घुसे या ना घुसे लेकिन उसका एक सार तो उसके इसमें आ जाता है कि भी कैसा रहता है क्या रहता है ये वो, ये इसलिए बोलते हैं कि एजुकेटेड चाहिए, कारण वो रहता है। तो देखो बोलो आपका ध्यान किस पर है? 4 पर था, बताओ 4 ने किया क्या? नहीं, आपका 5 की तरफ ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन किसने किया? 5 ने किया। 5 into 1/4 cos x - 1 किया ही। अब बताओ अगर ये ऐसा होता तो 4 cos x - 3 अगर ब्रैकेट में होता तो, अब बताओ कौन है? अब 4 ने किया ना सबको, बोलो कैसे होता? किया कि नहीं किया? अब जितने भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो सब फॉलो करना, ईमानदारी की पढ़ाई करना बेसिक तक, हाँ घर जाके करना क्या है, इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, देखना कि कहाँ पे फॉर्मूला लगा और कहाँ पे सिर्फ देखना चाहिए अच्छी तरह से कैसा किया, कहाँ पे लगा कहाँ पे नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, ऐसा सोचना घर जाके एक बार और रिवाइज कर। चलो बोलो 5x का स्क्वायर लगा के फॉर्मूला, वर्डिंग क्या बोलो? एक सेपरेट कांस्टेंट रिमेनिंग सभी टर्म्स को क्या क्या, एक सेपरेट कांस्टेंट है तो पहले वो बताओ, ये पहले तो एक सेपरेट कांस्टेंट चाहिए, अगर है तो उसने बाकी सबके साथ क्या करना चाहिए? ये 5 + x हाँ सर एक सेपरेट कांस्टेंट है बराबर, एक सेपरेट कांस्टेंट लेकिन उसने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया क्या? नहीं, आगे की वर्डिंग मैच नहीं हो लेकिन पहली वर्डिंग मैच होगी, एक सेपरेट कांस्टेंट है भाई, एक सेपरेट कांस्टेंट कैसा भी हो सेपरेट कांस्टेंट है लेकिन उसने रिमेनिंग सभी टर्म्स को आगे की वर्डिंग मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, बताओ एक सेपरेट कांस्टेंट है तो वो सेपरेट कांस्टेंट नहीं, वो पावर के साथ जकड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे किसके साथ था? उसके साथ, वो इसलिए सेपरेट नहीं था, मल्टीप्लाई किया है सबको सेपरेट नहीं, और यहाँ पे भी नहीं, आप इसको लगे तो ऐसा नहीं सॉल्व करके 5 का स्क्वायर 25 इसका स्क्वायर एक्स बराबर, और अगर ऐसा लिखोगे तो लगेगा और ऐसा रहने दोगे तो नहीं लगेगा, ये फर्क, ऐसा रहने दिया तो नहीं लगेगा क्योंकि सेपरेट नहीं है। अब बताओ कि कैसा है वो सेपरेट पास, उसने क्या क्या रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया वो उसमें फर्क पड़ेगा। बताओ √k/(x+5) जल्दी बताओ, कौन सा सेपरेट कांस्टेंट है? नहीं लगा ना, ये k स्क्वायर क्या है? उसने मल्टीप्लाई किया है ना m+1 m-1 into sin x,
ये यम क्या है, पांच वन क्या है, पांच ये सब मिलके क्या हो गया, ये कांस्टेंट ने क्या किया, सबको क्या किया, मल्टीप्लाई। अब कांस्टेंट बहुत बड़ा दे दिया, फंक्शन जरा छोटा दे दिया, अब उसी में आप बह के चले गए, हो गया पर कांस्टेंट है वो, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरे मिलके कांस्टेंट है ना। आप नहीं पढ़े थे क्या वेक्टर चैप्टर में, थ्योरम पढ़े थे कि कभी कभी इतने वो स्केलर आते थे, आप सब स्केलर को मिलके अल्फा लिखते थे, ग्रेट अल्फा, हाँ वो स्केलर कभी भी पढ़े रहते थे, ये प्लस वन ये माइनस वन, उसको आप कह रहे लेट अल्फा, ये स्केलर, क्योंकि इतना मिलके नंबर बनता था वो, यहाँ पे लग गया एक सेपरेट कांस्टेंट। उसके बाद अब आप बताओ तो मान जाएंगे, चलो बोलो एस और नो। अब अब क्या बात किया, अरे इसमें से फाइव अलग निकल सकता है ना, मल्टीप्लाई किया है ना, फाइव को बाहर निकाल सकते ना, तो वन बाय फाइव, तो ये थ्री एक्स प्लस सेवन अपॉन फोर्टी। घर में जब आप प्रैक्टिस करो तो एकदम मत चिल्लाना किया किया नहीं किया, घर वाले बोलेंगे इसको क्या किया, किसने किया, ऐसा क्यों हो रहा है आज, अलग थोड़ा घर में कंट्रोल में ठीक है, दोस्त घर वाले पूछेंगे ना किसने किया, क्या किया, क्यों किया, क्यों नहीं किया, हाँ देखो ये है क्या, हाँ किसने किया, वन बाय फाइव, फिर उनको समझाना कि ये वन बाय फाइव। हाँ देखो अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट करता तो फिर थ्री बाय फाइव, लेकिन वैसा मैं नहीं करूँ ठीक है। तो आप ही बताओ पर कितनी वैरायटी डिस्कस हो जाती है यहाँ पे। हाँ चलो अब बताओ, थ्री एक्स माइनस सेवन, फाइव एक्स प्लस फाइव माइनस टू एक्स, चलो अब बताओ, अब चैलेंज आपको, किसने किया, थ्री ने, थ्री ने सबको मल्टीप्लाई किया, थ्री ने सिर्फ एक्स को मल्टीप्लाई किया है, सेवन को नहीं किया, ब्रैकेट थोड़ी होगा, थ्री एक्स है, थ्री एक्स का मतलब थ्री ने एक्स को ही किया मल्टीप्लाई, तो माइनस सेवन अलग है ना, तो थ्री ने सबको मल्टीप्लाई नहीं किया ठीक है, हाँ वो नहीं। बोलो कंट्रोल में रहो, बोलो किया कि नहीं किया, इसमें कांस्टेंट डिग्री रखे थे, कौन कौन कांस्टेंट है, फाइव सेवन थ्री और टू और साथ में यम, क्योंकि हम एक्स से डील कर रहे हैं, एक्स फंक्शन है अपने, फंक्शन कौन है एक्स, तो बोलो आप बताओ थ्री यम प्लस सेवन ये पूरा का पूरा क्या है, इसमें एक्स है क्या कहीं पे, जैसे ये पूरा कांस्टेंट था ना, हाँ तो पूरे कांस्टेंट क्या क्या मल्टीप्लाई, पता ये भी क्या पूरा कांस्टेंट, आप बोलो किया कि नहीं किया, समझ गए कैसे, तो वो कांस्टेंट पूरा का पूरा कहाँ निकल सकते बाहर, तो बचा कौन वन अपॉन ठीक है। हाँ तो इतनी हो गई इसकी, अलग अलग तरीके से जो जो प्रॉब्लम इस पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में आ सकते हैं उस तरह से सोच समझ के मैंने यहाँ पे
बता दिया, थोड़ा सा रह गया। तो ये देख लो, एक्स साइन अल्फा कॉन्स्टेंट कौन है, एक्स छोड़ के बाकी सब क्या है कॉन्स्टेंट, ये साइन अल्फा है, तो अल्फा क्या हो गया कॉन्स्टेंट। बताओ उसने मल्टीप्लाई कर दिया, लग गया यार, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, उसने एक्स को क्या किया मल्टीप्लाई, बस उसको लिखा उधर है, उसको आप ऐसा लिख सकते हो साइन अल्फा इंटू, समझ गए, वो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में कॉन्स्टेंट है, लेकिन आया कौन सा रूप धारण करके ट्रिग्नोमेट्री का, पहचान लेना भाई वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कौन है वो कॉन्स्टेंट रूप पैसा धारण किया है, कोई लड़का है लेकिन साड़ी पहन के आ गया और लड़के में जाके बैठ गया, पालन का नाम क्यों ले रहे, वही तो जिसका नाम क्या जल्दी।